कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए नगर निगम द्वारा लगातार सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है। महानगर के 70 वार्डों में सैनिटाइजेशन के साथ नगर निगम में सम्मिलित 32 नए गांवों में भी सैनिटाइजेशन का महाअभियान नगर आयुक्त अविनाश सिंह के नेतृत्व में चलाया गया। मंगलवार को नगर निगम में सम्मिलित गांव कछवतिया उर्फ कठऊर सहित 6 गांवों को सैनिटाइज किया गया। इस संबंध में नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए नगर निगम द्वारा सैनिटाइजेशन का महाअभियान महानगर के 70 वार्डों में चल रहा है। उसी के तहत नगर निगम में सम्मिलित 32 गांवों में भी सैनिटाइजेशन अभियान के साथ ही महानगर के सभी 230 नालों की सफाई अभियान भी चलाई जा रही है। इस दौरान अपर नगर आयुक्त डीके सिन्हा, उप नगर आयुक्त संजय शुक्ला, मुख्य अभियंता सुरेश चंद्र एवं सुपरवाइजर विंध्याचल सहित नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस मौके पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, ये मंदिर तो हमारे वाले छोटे वाले जैसा कि आपके संज्ञान में है, नगर निगम गोरखपुर के विस्तारीकरण की जो प्रक्रिया है उसके तहत जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के 32 ग्राम पंचायतें हैं उनको नगर निगम की सीमा में सम्मिलित किया गया है। विस्तारीकरण के तहत आज हम लोग जो कोरोना वायरस के संक्रमण की जो गति है उसको, उसकी जो चेन को ब्रेक करने के उद्देश्य से हम लोगों ने बड़े पैमाने पर इन 32 गाँवों में एक सैनिटाइजेशन का महाअभियान छेड़ रखा है, जिसमें कि अभी हम लोग इसके कल और परसों में 2-3 जो थे गांव थे उनको कवर करने के बाद आज हम लोग इस साइड में आए हुए हैं और यहां पर आज हम लोग 6 गांव कवर कर रहे हैं और इसके लिए हमने 6 टैंकर और 1 जेटिंग मशीन इसको लेकर यहां पर आए हैं और विस्तृत और व्यापक महाअभियान सैनिटाइजेशन का चल रहा है और उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि कोरोना के वायरस की जो संक्रमण की चेन है उसको ब्रेक करना। इसके साथ ही साथ जो हमारे इस पूरे क्षेत्र में जितने भी हमारे नाले हैं उनके ऊपर भी हमारी टीम काम कर रही है। कहीं जहाँ पे भी हमको इस मतलब पहले से जो हमारा अनुभव कहता है कि इन नालों में चोक हो जाने की वजह से या कूड़ा कबार इकट्ठे हो जाने की वजह से वाटर लॉगिंग हुई है, उन सभी क्षेत्रों को हमने चिन्हित कर लिया है। जो हमारे बड़े वाले नाले हैं, हमारे पास 11 बड़े नाले हैं और 83 मझोले हैं और 123 हमारे छोटे नाले हैं। सब मिलाकर 223 230 जो हैं कुल नाले हैं और इन 230 नालों को सफाई के लिए, तली झाड़ सफाई के लिए एक व्यापक अभियान छेड़ा गया है, जिसमें हमारे सभी जोनल अफसर, सभी जो चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं और जो हमारे सुपरवाइजर है वो अपनी पूरी टीम के साथ इसमें लगे हुए हैं। बड़ी संख्या में पोकलेन मशीन, JCB मशीन आदि इसमें हम लगाए हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस बार हमने पूरी जो कि हमारा ये नगर निगम का दृढ़ संकल्प है कि हम इस बार कहीं पर भी प्रयास रहेगा कि वाटर लॉगिंग ना होने पाए। हमारे जितने भी पंप्स हैं उनको भी हम सब उसकी सर्विसिंग करा ली है और पहले से अब की बार उनको हम फिट कर दे रहे हैं, जिससे जैसे भी बारिश हो और कहीं भी वाटर लॉगिंग की संभावना बने तो हमारे पंप चलने लगे, नालों के मार्फत तली झाड़ सफाई हो जाए, नालों के माध्यम से हमारा सारा पानी बाहर निकल जाए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये पूरा अभियान चलाया जा रहा है।